हाय दोस्तों, HS टेक्निकल ग्रुप में आपका स्वागत है। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे आजाद या निवास EDST कॉलेज साइट से कैसे डाउनलोड करें। उसके लिए आपको कोई ब्राउज़र या गूगल ओपन करना होगा। मैं अपना गूगल ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर EDST, आप UP हैं तो UP लिखना पड़ेगा सर्च बॉक्स में, MP हैं तो EDST की MP लिखना पड़ेगा। ऐसे ही आपका जो लास्ट का कोड होता है EDST के बाद वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद EDST UP GOV.IN के हैं तो .IN पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से पहले डेस्कटॉप मोड मोबाइल में ऑन करना होगा। आप सिस्टम पे तो कट वाली ऑप्शन दबा देंगे, वहाँ से कट हो जाएगा, जैसे देखिए हट गया। उसके बाद आपको सिटीजन लॉगिन ई साथी पर क्लिक करना होगा। उसके बाद पंजीकरण, यूजर का नाम, मैं अपना यूजर आईडी भर लेता हूँ जैसा। उसको सबमिट पर क्लिक करना होगा। देखिए मेरा खुल के आ गया। आपको प्रिंट करने के लिए निस्तारित आवेदन पर जाना होगा, जैसा कि यह दिख रहा है। इस पर दो मेरा बन चुका है, दो नहीं बना है क्योंकि मैं दो पेमेंट किया था, वो बन गया है। अब मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए दिखा रहा है, कास्ट वाले चले जाते हैं, अपना जाँच प्रिंट करते हैं जो आया है, क्योंकि मैं कास्ट और इनकम दोनों बनाया था। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड होने के लिए आ जाएगा। उसके नीचे देगा प्रिंट का ऑप्शन, देखिए दे रहा है, प्रिंट पर क्लिक कर देंगे, आपका प्रिंट PDF ऐसे तैयार हो जाएगा। देखिए मेरा प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा है। उसका सेव एज पर क्लिक कर सकते हैं, मोबाइल से ही आप निकाल सकते हैं यहाँ से जाकर। देखिए सेव हो गया। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें।